हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कमलाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है ये भिंडी की सब्ज़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ये भिंडी ली है, इनको हमने पहले ही धो लिया है, इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके जो पार्ट्स होते हैं साइड्स पार्ट्स वो हटा देंगे। इसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं। तो चलिए फटाफट इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब देख पा रहे होंगे इसमें मतलब धुआं सा निकलने लग जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और जीरे का कलर थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद में हम इसके अंदर दो कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे, प्याज का कलर चेंज होने देंगे। इसी के साथ हम तीन से चार हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची को भी हमें फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। प्याज और हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नींबू भी डाल सकते हो। अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप लास्ट में इसके अंदर नींबू डाल दीजिए या फिर दोनों ही चीज़ डाल दीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई भिंडी। तो भिंडी काटने में कोई ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने भिंडी को कट कर लिया है, क्योंकि इसके हमें गोल गोल पीसेस करने हैं। आप चाहो तो लंबे पीसेस भी कर सकते हो। वो सब वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर सके, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे आप। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भिंडी डाल दी है और लगभग गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल ही लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक। और उसके बाद में हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटी चम्मच के करीब इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 छोटी चम्मच के करीब इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो करके और इसको पकने देते हैं, मसालों को अच्छे से पकने देते हैं, भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स होने देते हैं। इसमें पानी नहीं डालना आपको, अगर पानी डाल दोगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर भिंडी को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है और मसालों को मिक्स करने के बाद में हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद में हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए, जो भिंडी की सब्ज़ी है वो पक चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस इसके अंदर पानी नहीं डालना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं और इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी भिंडी की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये भिंडी की सब्ज़ी, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चों को भी ज़रूर अच्छी लगेगी आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप एक बार इस तरीके से प्याज और भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं दावा करती हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी सबको, घर वालों को, बच्चों, बड़ों को, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।